नमस्ते, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 6 अगस्त 2019 है। 6 अगस्त 2019 की बड़ी खबरें क्या है? जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ये हटा लिया गया। इससे पूरे देश में चर्चा तेज है। कहीं पक्ष में बयानबाजी चल रही है तो कहीं विपक्ष में। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। धारा 370 को लेकर जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यह जदयू का एजेंडा नहीं है। पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने इस फैसले को नासमझी में लिया गया कदम बताया। हम के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी धारा 370 के मसले पर आपत्ति दर्ज कराई है और केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताया। बिहार के अन्य खबरों में चलती बस में आग लगने के मामले में परिवहन विभाग का कड़ा निर्देश आया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वैसे बसों के परिचालन पर रोक लगाने कहा है जिनके पास अग्निशामक यंत्र नहीं है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को बिहार के पूर्णिया में मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जाने वाली चलती बस में आग लग गई थी। इस घटना में एक की मौत हो गई थी और दर्जन भर घायल हो गए थे। खगड़िया जिले के रामपुर गांव के उमेश सहनी के 3 वर्षीय पुत्र की मौत चमकी बीमारी से हो गई। उसका इलाज PMCH में चल रहा था। मुजफ्फरपुर के फकुली में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि 3 चकमा देकर भाग निकले। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में गाय घाट के मजदूर राजकिशोर राय की मौत बिजली के करंट से हो गई। वह एक निर्माण कंपनी में रोड व पुल का काम कर रहा था। बिहार बंगाल की सीमा से सटे कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। भीड़ ने प्राणपुर CO को धक्का मुक्की कर दिया। हाजीपुर के बलवा कुआरी गांव में ससुराल आए एक युवक ने ताड़ के पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम टुनटुन मांझी बताया गया। वह दयालपुर गांव का था। भोजपुर के सहंगी गांव में मुखिया अरुण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। कानिया और मौलवी की परीक्षा का रिजल्ट 12 अगस्त तक आने की संभावना है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने ऐसा संकेत दिया है। बिहार के बीहट में देसी कट्टा के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वहां वाहन जांच कर रही थी। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोपालगंज के सिहरुआ गांव में एक बच्ची पानी से भरे गड्ढे में डूब गई। उसकी वहीं मौत हो गई। गोपालगंज में शराब पीकर हंगामा करने वाले अनिल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह धूर बतड़िया गाँव का बताया जाता है। कैमूर के तेनुआ गाँव के पास दुर्गावती नदी के तट पर अपराधियों ने एक युवक की हत्या गोली मारकर कर दी। इस घटना से इलाके में खलबली मची हुई है। सासाराम के भरतगंज टोला में बिजली के करंट से एक महिला की मौत हो गई। भभुआ में कुत्ते के विवाद को लेकर गोली चला दी गई। गोलीबारी की इस घटना में 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना पावड़ा गांव की है। बांका जिले के कटोरिया बाजार में जीविका की दीदी ममता देवी से झपट्टा मारकर अपराधियों ने 40,000 रुपया छीन लिया। लुटेरे बाइक पर सवार थे। बांका में कर्तव्यहीनता के आरोप में 5 सैप जवानों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये लोग बगैर सूचना के गायब मिले थे। बांका के मिर्जापुर डाका में एक कंपाउंडर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जाता है। मृतक का नाम धारो तांती बताया गया। कटिहार जिले के सालमारी बारसोई स्टेट हाईवे पर बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक चालक अरुण कुमार सिंह की मौत हो गई। उसके साथ 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के रोटा बाजार में पुलिस की तत्परता से मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना टल गई। पॉकेट मार समझकर खुशकी बाग के शहनशाह को पीटा जा रहा था। वह वाहन का खलासी है। पूर्णिया जिले के बायसी में भौड़ा पुल के पास बस ट्रक की टक्कर में बेचन यादव की मौत हो गई। वह मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान का था। इस घटना में आधे दर्जन लोग घायल हुए हैं। मधुबनी जिले के खजौली में कमला नदी में डूबने से एक कांवड़िया की मौत हो गई। उधर झंझारपुर में ट्रक डंपर की टक्कर में 3 की मौत हो गई। ये थी बिहार की 21 बड़ी खबरें। खबरें कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।